हेलो क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग। तो कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 2E को। हम लोग जो हैं एलसीएम एससीएफ वाला ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फैक्टर एंड मल्टीपल्स वाला चैप्टर है, एलसीएम एससीएफ फाइंड करना सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर लिया है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 16 कह रहा है, फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर्स वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इक्वल टू एससीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, बहुत ठीक है, अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 87 इंटू 145, ठीक है, अरे इंटू कह रहा हूँ कॉमा, 87 और 145, ये दो नंबर दिया हुआ है। आपको वेरीफाई करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम इन दोनों के एससीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनका एचसीएफ, फिर फाइंड करेंगे इनका एलसीएम। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 87 फैक्टराइजेशन से दोनों निकल जाएगा एक साथ, एलसीएम भी एचसीएफ भी, ऐसे अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए करते हैं। देखो 87 है, 2 के टेबल से होगा, नहीं 3 से, 8 7 15, यस 3 के टेबल से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है, 3 2 6। अब 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 7 27 और 3 9 27। अब 29 जो है वो क्या है, 29 देखो प्राइम नंबर में तुम्हारा आता है, ठीक है, 29 देखो सीओ वीरस्तनीज मेथड जो था उसमें बताया था ना कि 29 प्राइम नंबर है, तो ये 29 से सीधे वन टाइम में कट जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 145 का करेंगे तो 2 के टेबल से होगा, नहीं होगा, 5 + 4 9 + 1 10, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से करते हैं, 5 से जब करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 10, 5 9 45, और ये 29 टाइम में कट गया। अब देखिए जब हम यहाँ कर रहे हैं तो 87 का हमारे पास आया है 3 × 29, और 145 का हमारे पास जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, वो है 5 × 29। अब यहाँ से अगर हम एचसीएफ निकालें, सो एचसीएफ ऑफ 87 एंड 145, 87 और 145 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, एंड एलसीएम इक्वल टू, और एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, जो कॉमन मिलेगा दोनों में, तो दोनों में कॉमन 29 है, तो एचसीएफ 29 हो जाएगा। एलसीएम में क्या है, जो कॉमन है उसको एक बार राइट करते हैं, बाकी सबको जो सिंगल सिंगल है उसको राइट करते हैं, तो 3 × 5 × 29। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 × 5 9 45 का 5 कैरी 4, और 5 2 10 + 4, ठीक है, 29 × 5 145 हो गया, 145 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 4 12 + 1 13 का 3 कैरी 1, 3 1 3 + 1 4, 435, ठीक है, 3 5 15, 3 4 12 + 1 13 का 3 कैरी 1, और 3 1 3 + 1 4, 435। तो एचसीएफ आ गया हमारा 29, एलसीएम आ गया 435। अब जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ के इक्वल होना चाहिए। तो अब लिखते हैं, नाउ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा 87 × 145 ये होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एच सी एफ का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 29 एच सी एफ, तो एलसीएम है 435, एलसीएम इंटू एच सी एफ है 29, ठीक।
अब देखिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई करिए और एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो दोनों आपको सेम मिलेगा, ये चेक करना है। अगर सेम मिल गया तो भाई ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का, तो वो किसके इक्वल होगा? हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 145 में अगर हम 87 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 75 35 3, 74 28 और 3 31 3, 7 और 3 10। इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 85 जा 44, 84 जा 32 और 4 36 3, 81 जा 83 11। ये हो जाएगा 51621, ठीक। यानी कितना आया मल्टीप्लाई करने पे? 12615 ये मल्टीप्लाई करने पे आया। अब 435 में 29 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 435 में 29 का मल्टीप्लाई करते हैं, 435 में 29 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 95 जा 45, 493 जा 27 और 431 3, ठीक है। 94 जा 27, 27 प्लस 4 31 1 3, 94 जा 36, 36 और ये 39 हो गया, ये हो गया। 25 जा 10 0 कैरी 1, 32 जा 6 प्लस 1 7, 42 जा 8 प्लस करो 51 97 16 1 84 12। देख रहे हो बराबर आ रहा है कि नहीं? 12615 इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि जब भी आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, तो हमेशा क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ के। तो एक यहां से तुमको एक फॉर्मूला तुमको मिल जाएगा, क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमेशा इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक। ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा। चलो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये तो क्लियर है ना, समझ में आ गया? एचसीएफ निकाल के एचसीएल एलसीएम निकाल के फिर दोनों का, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, फिर एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करिए, दोनों इक्वल आ गया, तो सही है। चलिए, करना ऐसे ही है जैसे मैंने बताया है, बाकी के पार्ट जो है आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और छोड़ना मत भाई, सॉल्व करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा स्ट्रांग होगा मैथ, जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक। ये अगर छोड़ दोगे समझ के कि बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। देखो 17 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12, फाइंड देयर एलसीएम, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। क्या दिया है? दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है 2160, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दिया हुआ है। और कह रहा है एचसीएफ इक्वल टू, अगर एचसीएफ है कितना 12 है, तो फाइंड एलसीएम, तो एलसीएम फाइंड करिए। सो एलसीएम, एलसीएम फाइंड करिए, ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या होता है? देखो, एलसीएम फाइंड करना है तो फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है क्या था? फर्स्ट, अभी बताया मैंने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, ठीक, एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ये होना चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम को फाइंड करना है तो एलसीएम को यहीं छोड़ दो, एचसीएफ मल्टीप्लाई में इसको इधर लेते आओ। जब ये एचसीएफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई से बदल जाएगा डिवाइड में। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास? 2160। इधर एचसीएफ कितना है? 12 इंटू एलसीएम, 12 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2160 इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम कितना है। तो 12 से डिवाइड करो, ठीक है, 6 से डिवाइड कर सकते हो, 12 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ तुमको मिल जाएगा एलसीएम इक्वल टू, ठीक है, 12 टू या 24 हो जाएगा, तो वन टाइम ले जाएगा 12। अब 12 तुम वन टाइम ले जाओगे तो कितना आएगा? 11 में से 2 माइनस करोगे तो 9,
96, 12 8 96, और ये रहेगा 0, 180। तो यानी कि एलसीएम कितना आ गया आपका 180 एलसीएम आ गया। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट दिया था, दैट मीन्स समझ गए वह फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दिया है, एससीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना है। तो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एससीएफ इंटू एलसीएम। हमने वैल्यू सबकी पुट की, वैल्यू पुट कर रही, इसके बाद ट्रांसफ़र किया, ठीक है, बॉर्डर पार करा दिया इसको 12 इंटू एक्स, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार कराया तो डिवाइड हो गया, तो हमारा एलसीएम निकल गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 सेम 17 की तरफ है, एकदम सेम 17 की तरह है, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और एससीएफ फाइंड करना है, सेम यही चीज है। ऐसे इसमें एससीएफ को इधर लेके आए थे, अब 18 वाले में एलसीएम को इधर लेके आएंगे, काम वही है, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके एससीएफ निकल जाएगा हमारा। अब आइए 19 पे चलते हैं, एससीएफ ऑफ टू नंबर। अच्छा, दो नंबर का एससीएफ दिया हुआ है, एससीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, एससीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर फाइंड करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो देखिए स्टेटमेंट लिख देंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे एससीएफ ये है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, जो भी है सब लिख देंगे, ठीक है। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखना है, जैसे स्टेटमेंट में लिख देना फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर फाइंड करना है हमें, एलसीएम क्या है, एससीएफ क्या है, ये सब लिख देना, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो दिया है वो लिखो, सेकंड नंबर फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, एलसीएम दिया है एलसीएम लिखो, एससीएफ दिया एलसीएफ लिखो, इसके बाद नाउ, इसके बाद जो तुमको करना है ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है, ठीक है। तो जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो एससीएफ की जगह लिखेंगे 145, ठीक है, और एलसीएम है आपका 2175, ये एलसीएम हो जाएगा। फर्स्ट नंबर है 725 फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर हमको नहीं पता तो सेकंड नंबर बॉक्स ले लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब ये मल्टीप्लाई में भाई साहब ये इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उसको उधर भेज दो, जैसे उधर से इधर लेके आ रहे थे, यानी एससीएफ को ट्रांसफ़र कर रहे थे या एलसीएम को ट्रांसफ़र कर रहे थे, अब फर्स्ट नंबर को ही ट्रांसफ़र कर दो उधर, तो मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 145 × 2175 / 725, ये हो गया 725। अब 25 के टेबल से अगर कट किया जाए, 25 के टेबल से, तो 25 के टेबल से कट करते हैं, 2175 आएगा 25 के टेबल से, 5 के टेबल से कट करो, लोअर से चलते हैं, 5 के टेबल से कट करो, तो 5 के टेबल से कट करोगे, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 1 5, ठीक, 5 1 5 हो गया, कितना बचा 2 22, 5 4 जा हो गया 20, 5 4 जा हो गया 20 और 5 5 जा हो गया 25, 140 टाइम में ये कट गया। अब इसको काट दो 5 के टेबल से, ये होगा तुम्हारा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हो गया, फिर 5 3 जा हो गया 15, 5 3 जा 15, 17 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 5 5 जा 25 होता है, ये कट गया। अब देखो 145 से 145 कैंसिल आउट हो गया, 145 से 145 कैंसिल आउट हो गया, अब तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ बचा ये, तुम्हारे पास बचा क्या 435, तो यानी कि जो सेकंड नंबर है कितना आ गया 435। लास्ट में लिख देना हैंस द रिक्वायर्ड नंबर या हैंस द सेकंड नंबर इक्वल टू 435, सेकंड नंबर क्या है 435 है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, ज़्यादा स्टेटमेंट भी नहीं है और सिंपल है, ठीक। चलिए भाई आगे देखा जाए, आगे देखा जाए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, अच्छा क्या क्या दिया है, एससीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, ठीक है, एससीएफ दिया, एलसीएम दिया है और वन नंबर, फर्स्ट नंबर दिया, इसमें भी सेकंड नंबर फाइंड करना है, वन नंबर दोनों में से कोई एक ले लो, तो मान लो फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो अभी जैसे मैंने बताया आप फर्स्ट नंबर को ट्रांसफर कर दीजिए इधर, इसके बाद रिड्यूस करके सॉल्व कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन 21 पे चलते हैं, 20 तक तो हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। 21 क्या रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 20 24 32 एंड 36, ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करिए जो कि 15 20 24 32 और 36 से डिविजिबल हो, समझ रहे हो, यानी ऐसा नंबर तुम्हें फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है
जो कि डिवाइड हो सके, जो कि डिवाइड हो सके किससे, 15 से डिवाइड हो जाए, 20 से डिवाइड हो जाए, 24 से डिवाइड हो जाए, 32 से डिवाइड हो जाए और 36 से डिवाइड हो जाए, यानी इन सभी नंबरों से ये नंबर जो भी फाइंड करोगे ये डिवाइड हो जाए। समझ रहे हो ना, दिमाग की बत्ती खुली कि नहीं, दिमाग की बत्ती जली। क्या करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है, ऐसा छोटा नंबर जो 15 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी हो जाए, 24 से भी हो जाए, 32 और 36 से भी हो जाए। तो करना क्या है हमें, हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। याद रखना जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि एक ऐसा नंबर लीस्ट नंबर फाइंड करिए, लीस्ट नंबर जो कि डिवाइड हो जाए 15 से, 20 से, 24, 32, 36 या कोई भी और नंबर दिया हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, LCM फाइंड करेंगे। किसका LCM फाइंड करेंगे, इन सभी नंबर्स का, इन सभी नंबर्स का LCM फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है, इन सभी नंबर्स का LCM फाइंड करेंगे, जो LCM आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक, समझ रहे हो ना, सिंपल है जी, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और क्या कह रहा है, बस तो सिंपल यही पूछा है, तो गिवन नंबर लिखो। स्टेटमेंट में क्या लिखना है, देखो स्टेटमेंट में सिंपल ले लिखेंगे, गिवन नंबर आर, क्या क्या गिवन नंबर में है, गिवन नंबर में है तुम्हारा 15 है, 20 है, 24 है और 32 है और क्या है, 36 है। गिवन नंबर ये है। नाउ नाउ LCM ले लो। ठीक है, नाउ टेकिंग LCM, नाउ टेकिंग LCM, LCM ले लो भाई, 15, 20, 24, 32 और 36, इनका LCM निकाल दो। अब इनका जो LCM आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो गया, हैंस द लीस्ट नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड, और जो LCM आएगा लास्ट में लिखना, हैंस द रिक्वायर्ड, हैंस द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर। अब जो LCM आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तो लिखोगे हैंस द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज, जो भी LCM आएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर। ओहो सिंपल, इसमें तो सीधे बोल दिया, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर क्वेश्चन समझे, लीस्ट नंबर फाइंड करना है, विच वन डिवाइड बाय 25, 40 एंड 60 लीव्स 9 एज रिमाइंडर इन ईच केस। लेकिन 9 रिमाइंडर बचना चाहिए, ये तो सिंपल था, इसके पहले वाला बस लीस्ट नंबर फाइंड करना था, फाइंड कर दिया, लेकिन ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड की जिसमें 9 रिमाइंडर बचना चाहिए, 9 रिमाइंडर बचना चाहिए, कुछ नहीं, सेम चीज, यही चीज करना है। ठीक है, 9 रिमाइंडर लेकिन बचना चाहिए, ये चीज ध्यान देना, 9 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल हम लिखेंगे क्या, गिवन नंबर आ, गिवन नंबर लिख देंगे। गिवन नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, LCM ले लो, जो गिवन नंबर है उसका LCM ले लो, LCM ले लिए, LCM कुछ आएगा, ठीक है, LCM निकालोगे तो LCM आ जाएगा, LCM कर दो जो भी तुम्हारा आएगा। इसके बाद लिखना, सिंस गिवन रिमाइंडर, गिवन रिमाइंडर, ठीक है, गिवन रिमाइंडर, LCM आएगा तो LCM यहाँ लिख लेना, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर 9 दिया है, गिवन रिमाइंडर इज 9, गिवन रिमाइंडर इक्वल टू 9, 9 रिमाइंडर दिया है तो क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हें करना है क्या, रिमाइंडर को, रिमाइंडर को प्लस कर देना है, क्या कर देना है, प्लस कर देना है किसमें, LCM में, जो भी LCM आएगा उसमें 9 को प्लस कर देना है। तो इसको करने के लिए क्या लिखेंगे, तो हम वही लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, ठीक, हैंस द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज, क्या करोगे, जो भी LCM आएगा उसमें 9 प्लस कर दो, जो भी LCM आएगा उसमें 9 प्लस कर दोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो भी तुम्हें चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर फाइंड कर लेंगे जिसको कि डिवाइड करने पे हमेशा 9 रिमाइंडर बचेगा, उसमें हमेशा 9 बचेगा। चलो भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 23 आते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 30। अच्छा भाई, ये देखा जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया जाए।
फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट. ठीक है, गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर आर है 16, 18, 24 and 3030. ये गिवन नंबर है, गिवन नंबर है. तो सबसे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, गिवन नंबर है तो आप एलसीएम निकालेंगे. नाउ टेकिंग एलसीएम. ठीक है, एलसीएम निकालते हैं किसका, 16, 18, 24, 30. एलसीएम निकाला जाए, 2 8 16, 2 9 18, फिर 2 से होगा 4 9 6 15, फिर 2 से होगा 2 9 3 15, फिर 2 से होगा 1 9 3 15, अभी भी 3 से करोगे 1 3 1 5, फिर 3 से करोगे 1 1 1 5, फिर 5 से करोगे 1 1 1 1. ठीक, ये मिल गया. अच्छा, जब एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5. कितने टाइम टू है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम टू, 3 × 3, ठीक है, 5. इस तरीके का हो गया. अब मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16. ठीक, 16 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 = 9 और इंटू 5. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 6, 9 6 = 54, 5 और कितना हो जाएगा, 144 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करो. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये 144 आया. अब 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 4 = 20 = 0, 2 5 4 = 20 + 2 = 22 5 + 5 + 2 = 7. एलसीएम क्या आया, 720. एलसीएम क्या आया फाइंड करने पे, 720. एलसीएम 720 आ गया. अब जो एलसीएम आ गया है 720, तो इसके बाद इसको इरेज कर दें क्योंकि जगह नहीं है, तो इरेज करके लिखेंगे. हो गया, ठीक. तो हमारा एलसीएम आया है कितना आया है, तो हमारा जो एलसीएम है वो है 720. एलसीएम हमने फाइंड किया, 720 एलसीएम आ गया. अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट, तो अब लिखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट. लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट लीस्ट नंबर 10,000. ये जो है क्या है, फाइव डिजिट का लीस्ट नंबर है. ये फाइव डिजिट का लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है. अब आपको क्या करना है, देखिए ना, ये जो लीस्ट नंबर है, ये लीस्ट नंबर, इसको डिवाइड कर दो 720 से. लीस्ट नंबर को डिवाइड कर दो 720 से. ठीक है, लीस्ट नंबर को डिवाइड कर दो 720 यानी एलसीएम से. नाउ नाउ डिवाइड द लीस्ट नंबर, नाउ डिवाइड लीस्ट नंबर विथ एलसीएम. एलसीएम से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो सेवन ट्वेंटी से डिवाइड कर दो. ठीक, कितने टाइम, पहले तो 720 वन टाइम में ले जाओ, 720 टू टाइम में अधिक हो जाता ना, टू टाइम में क्या होता, 0 4 7 14 1 4 4 0. ठीक, ये हो जाता, अधिक हो जाता, तो माइनस करो, 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, और 9 में से 7 गया, तुम्हारे पास कितना बचा, 2 2 8 0 2 8 0, और ये 0 को ब्रिंग डाउन करो, 2 8 0 0, ये हो गया तुम्हारा. अब 2 टाइम में इतना है, 3 टाइम में कितना हो जाएगा, 3 टाइम में हो जाएगा तुम्हारा 2 1 6 0. 4 टाइम में कितना हो जाता तुम्हारा, 4 टाइम में हो जाएगा 2 8, तो 4 टाइम में दिख हो जाएगा, 3 टाइम में ले जाते हैं, 3 टाइम में हो जाएगा 2 1 6 0. ठीक, ये 3 टाइम में हो गया. अब क्या करना है, माइनस कर देना है, 0 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6,
640 ये तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है। 640 क्या है, रिमाइंडर है, 13 क्वेश्चन है और ये 720 डिवाइजर है। अब देखो ये तो समझ में आ गया ना कि डिवाइड करना है लीस्ट नंबर को एलसीएम से, जो लीस्ट नंबर है उसको एलसीएम से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है समझो बात को, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए, 5 डिजिट का ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो कि इन सब से डिवाइड हो जाए, 16, 18, 24, 30 सबसे डिवाइड हो जाए। तो सबसे इन सबसे डिवाइड होने के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन सभी नंबर से पहले डिवाइड हो सके। तो ऐसा नंबर हमें निकालना होगा जो कि इन सभी से डिवाइड हो जाए, तो मतलब एलसीएम निकालना होगा। अब जब ये नंबर आ गया, दैट मीन्स ये जो है डिवाइड हो जाएगा इन सभी नंबर से, तो इसी से हम क्या करेंगे, जो लीस्ट नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक, जो एलसीएम आया है ठीक है उससे डिवाइड कर देंगे लीस्ट नंबर को। तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा, ठीक है, नंबर क्या मिलेगा, जब तुम डिवाइड करोगे तुम्हें एक रिमाइंडर मिलेगा। मतलब ये कि जब भी तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा, यानी एलसीएम से डिवाइड करोगे रिमाइंडर मिलेगा। तो अब ध्यान से समझना है, अब यहां से असली पत्ता खुलेगा। ये देयरफॉर सब्ट्रैक्ट, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, क्योंकि 640 रिमाइंडर बच रहा है और यहां आपके पास है 720 डिवाइजर है, 640 रिमाइंडर है, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है रिमाइंडर को, सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम डिवाइजर, यानी कि रिमाइंडर को माइनस कर दो किससे, डिवाइजर से। अब क्यों माइनस कर रहे हैं समझो, डिवाइड किया तुमने 720 से जब लिस्ट नंबर 5 डिजिट को, तो तुम्हें रिमाइंडर 640 मिल गया। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक ऐसा नंबर चाहिए, 5 डिजिट का ऐसा लिस्ट नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करने में हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 640 आ रहा है। तो देखो ध्यान से, 640 रिमाइंडर आ रहा है, तो 640 में क्या प्लस कर दे कि 720 के बराबर हो जाए, 640 में क्या प्लस कर दे कि 720 के ये बराबर हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे 720 होता तो वन टाइम में ये पूरा कट जाता और हमें रिमाइंडर 0 दे देता, लेकिन यहाँ पे बच रहा है 640। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि रिमाइंडर को माइनस करते रहे डिवाइजर में से। अब जो बचेगा वही नंबर अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं 640 में, तो यहाँ पे हमारा 720 हो जाता, तो 720 हो जाता तो रिमाइंडर 0 मिलता। तो रिमाइंडर जीरो करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर को माइनस कर रहे हैं किससे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवाइजर से। तो माइनस करिए तो कितना आएगा, देखिए यहाँ करते हैं, आप लोग इसके नीचे करिएगा प्लीज़, ठीक है, इधर उधर मत करने लगना, मेरे पास जगह नहीं है ना बोर्ड के नीचे, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। तो जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 720 माइनस 640, माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0, ये हो जाएगा 12 माइनस 8 4 8 6 माइनस 6 0, यानी कितना आ गया, 80 आ गया। अब ये जो 80 बच रहा है माइनस करने पर, ये जो 80 बच रहा है, अब इसी को अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 10,000 में यहाँ अगर हम 80 लिखे होते हैं तो हमारे पास यहाँ 720 लास्ट में बचता, 720 लास्ट में बचता, अगर यहाँ 80 होता तो यहाँ पे 720 लास्ट में बचता ही बचता। इस वजह से तो हमारा जो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर है 5 डिजिट का, वो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इक्वल टू 10,000 है, उसमें 80 को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 10,080। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज़ तो सुन ही रहे हो ना, ठीक है, 10,080, समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है इतना बात, एक बार फिर से रिव्यू करा दे रहे हैं, ध्यान से समझो, गिवन नंबर है, सबसे पहले हम उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक, हमसे पूछा है लीस्ट नंबर,
फाइव डिजिट का, फाइव डिजिट का लीस्ट नंबर पूछा है, तो हम लिखेंगे फाइव डिजिट का लीस्ट नंबर ये रहा, ठीक। लेकिन हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए जो कि इन सब से डिवाइड हो जाए, ठीक, पूरी तरीके से, एग्जैक्टली पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, किससे, 16 से 18 से 24 30 इन सब से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो कौन सा ऐसा नंबर है, 720। अब इसी नंबर से हम क्या करेंगे, इसी 5 डिजिट के लिस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक, इसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड, क्यों, क्योंकि हमें एक ऐसा 5 डिजिट का लिस्ट नंबर चाहिए था ना, इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 5 डिजिट का लिस्ट नंबर चाहिए तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए जिसमें हमें रिमाइंडर जीरो मिलना चाहिए। तो जब जीरो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिल क्या रहा है, 640 रिमाइंडर मिल रहा है, 640 रिमाइंडर मिल रहा है। तो अब क्या करें, अब इस रिमाइंडर को जीरो करने के लिए, रिमाइंडर को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइजर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अगर हम ध्यान से समझें, सब्ट्रैक्ट करने पे जो मिल रहा है, अगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यानी 5 डिजिट के लिस्ट नंबर में ऐड कर देते हैं, तो हमें रिमाइंडर जीरो मिलता। क्योंकि अगर यहाँ पे 640 ना होके अगर 720 हो जाता तो रिमाइंडर जीरो मिल जाता। अब इस 720 होने में कितना कम है, तो 8080 कम है। अब 8080 प्लस किस में करेंगे, इसमें नहीं प्लस करेंगे। ये कहाँ से आया है, ये आया है यहाँ से 10,000 में से, इसलिए ये जो माइनस करने पे 80 आया है, इसको हम ऐड करेंगे 10,000 में। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे 10,000 में, वैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। इसीलिए हम लास्ट में लिखे हैं, हैंस द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इक्वल टू 10,000 जो लिस्ट नंबर है, इसमें 80 को प्लस कर दिया, यही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं, पूरा मैंने दोबारा बताया है एकदम अच्छे से, एकदम दिमाग में बैठा लो सुन के, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल इरेज कर दिया जाए, अच्छे से भाई समझ लो, बहुत समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा तुमको, इसलिए दिमाग की बत्ती जलाओ और अच्छे से समझ लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है भाई, 24 पे क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो हमारे पास नंबर क्या है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है और 24 है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। अभी तो हमने लीस्ट नंबर फाइंड किया, अब ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। गिवन नंबर हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टेकिंग एलसीएम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 9, 12, 15, 18, 24, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम निकालो भाई, 9, 12, 15, 18, 24, एलसीएम निकालो। तुम लोग तो तेज हो गए हो एलसीएम निकालने में, टू के टेबल से 9, 6, 15, 9, 12, फिर टू के टेबल से 9, 3, 15, 9, 6, फिर टू के टेबल से 9, 3, 15, 9, 3, थ्री के टेबल से 3, 1, 5, 3, 1, फिर थ्री के टेबल से 1, 1, 5, 1, 1, फिर 5 के टेबल से 1, 1, 1, 1, 1, ठीक, ये हो गया। अब एलसीएम लेते हैं, तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9 और 5, ठीक है। अब देखो 8 और 5 को मल्टीप्लाई करा दो, तो 8 × 5 = 40, 40 × 9, 9 × 4 = 36, 360 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ गया, 360 एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, 360 एलसीएम आ गया, ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया।
कितना एलसीएम आया 360, एलसीएम आया है 360, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का, तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या हो जाएगा 99999, ठीक है, ठीक है, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, अब नाउ वही चीज डिवाइड करेंगे, नाउ डिवाइड डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दिया जाए किससे 360 से, जो एलसीएम आया 360 से, सेम वही काम करना है जो अभी इसके पहले किए थे, ठीक है, डिवाइड करो 360 से, कितने टाइम ले जाओगे, 3 3 9 टू टाइम है, 0 6 12 2 carry 1 और 3 6 + 1 7 माइनस कर दो, नाइन ये हो गया क्या 7 और ये हो गया 2, फिर 9 को यहाँ लेके आओ, अब कितने टाइम ले जाओगे, 7 टाइम लेके जाए, 0 42 2 4 और 7 21 + 4 25 9 हो गया यहाँ पे, 7 हो गया, 2 हो गया, 0 7 2 9 फिर ये 9 आ जाएगा, तो फिर 7 टाइम ले जाओ, ठीक, फिर 7 टाइम ले जाओ, तो ये आएगा तुम्हारा 2 5 2 0 माइनस करो, कितना बचेगा, बचेगा 279, ये तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन मेरी आवाज़ जा रही होगी, 279, तो 279 यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन और ये हो गया तुम्हारा डिवाइजर। इतना तो क्लियर है, इतना स्टेप तो पूरा उसी में का है, अभी इसके पहले जो हमने सॉल्व किया पूरा का पूरा वही चीज़ है। अब इसके बाद देखो, इतना हो गया, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या, रिमाइंडर क्या बचा था हमारे पास, 279 ये रिमाइंडर बचा था, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे। अब देखिए 279 ये रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, और ये है ग्रेटेस्ट नंबर क्या, 5 डिजिट का। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इन सबसे डिवाइड हो जाए। अब देखो, अभी इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, डिवाइजर में से इसको माइनस किया था रिमाइंडर को, ठीक है, ताकि हमें रिमाइंडर जीरो मिले इसलिए माइनस किया था। अब यहां पे तुम अगर वही चीज करोगे तो यहां पे गलत हो जाओगे, क्योंकि जब तुम डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस करोगे और माइनस करने के बाद इसमें ऐड करोगे, तो जैसे ही ऐड करोगे ये 5 डिजिट से 6 डिजिट में बदल जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, और जैसे ही ऐड करोगे वो 6 डिजिट में भाग जाएगा। तो हमें 6 डिजिट तो चाहिए नहीं, हमें तो 5 ही डिजिट चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर आया है उसी को हटा दो, उसी को क्या करो, माइनस कर दो, किसमें से, ये जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से, उसी में से जब इसको जो रिमाइंडर है उसको हटा दोगे, तो उसके बाद जब डिवाइड करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, तुम्हें रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो। तो इस वजह से डायरेक्ट अब सीधे क्या करो, हटा दो, डायरेक्ट माइनस कर दो, किसमें से, 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से। अब इस यहां पर लिखोगे सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, डिजिट, ठीक है, तो माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो तुम्हारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, माइनस करो, क्या माइनस करना है, 279, 279 माइनस किया जाए, 9 - 9 0 हो गया, 9 - 7 2 हो गया, 9 - 2 7 हो गया, और ये 9 9 9 9 7 2 0
99720 ये क्या है, यही तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का, यही आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर में सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है, यहां तक तो प्रोसेस पूरा सेम है, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करना है जो रिमाइंडर है डायरेक्ट माइनस कर देंगे। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर में तुम्हें रिमाइंडर को माइनस करना होगा डिवाइजर में से, इसके बाद जो आएगा उसको ऐड करना होगा स्मॉलेस्ट नंबर में। लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर में सीधा माइनस कर दो, माइनस करके हटा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा 24 तक। अब हम लोग 25 से 30 तक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक यहां तक पूरा कंप्लीट कर लेना। हम लोग कहां से कि यहां 16 से लेके 24 तक, 16 से लेके 24 तक किया है, तो 16 से लेके 24 तक पूरा कॉपी में लिख लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।